Good morning, class. Myself, Kritika, I am lecturer at EC Department, Mountain Polytechnic College, Chennai. Students, before starting my lecture, I would like to give you some instructions you need to follow. To make yourself safe from this COVID-19, under Mission Fateh, some of the precautions that has been taken by many people, and I think we should also do the same. That is, wear a mask, maintain social distance, and wash your hands frequently. These instructions are given to you to make yourself aware about the day-to-day this disease that is COVID-19 and how to make yourself safe. So now moving on to the lecture. In previous lecture, we have done about the TV transmitter. यूनिफॉर्म टीवी रिसीवर की बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो पिक्चर ट्यूब है वो काम किस तरह से कर रही है. बेसिकली हम जब टीवी देखते हैं तो हम टीवी के ऊपर जो हमारी एक फोटोग्राफ आ रही है या वीडियो आ रही है वो एक ऑप्टिकल इमेज है, और उस ऑप्टिकल इमेज के पीछे कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल है. तो हमें हमेशा हम ये चाहते हैं ट्रांसमिटर के हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ऑप्टिकल इमेज आ रही है हम उसको रीड करने की कोशिश करते हैं. ऑप्टिकल इमेज किस तरह से रीड होती है? जब हमारी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो एक एक ऑप्टिकल पार्टिकल के ऊपर, जिसको हम पिक्चर एलिमेंट बोलते हैं या पिक्सल बोलते हैं, हमें पता है हर एक इमेज जो है वो नंबर ऑफ पिक्सल से बनती है. तो हर एक पिक्सल को इलेक्ट्रॉन जो है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है, वो हर एक इमेज के ऊपर कॉल करती है और वो स्कैनिंग स्टार्ट करती है. हर एक पिक्सल के ऊपर कॉल करके स्कैनिंग स्टार्ट करती है. ईच पिक्सल इस तरह से स्कैन होता जाता है, और जहाँ पे सिग्नल आता है, यहाँ पे जहाँ पे ऑप्टिकल इमेज प्रेजेंट होती है वहाँ हमारा सिग्नल हाई हो जाता है. जो ऑप्टिकल इमेज प्रेजेंट नहीं होती वहाँ लो हो जाता है. तो इस तरह से हमें पता लगता है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर जो ऑप्टिकल इमेज है उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्जन क्या है. सो जैसे कि हमने टीवी ट्रांसमिटर वाले टाइम पर पढ़ा था कि जो कैमरा ट्यूब है, टीवी कैमरा ट्यूब है, उसका काम क्या है, हमारी ऑप्टिकल इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. तो अब जब हम रिसीवर की बात करते हैं तो रिसीवर में हमें क्या करना है, हमने ट्रांसमीटर में क्या किया, हमने साउंड सिग्नल और वीडियो सिग्नल को आपस में कंबाइन करके इन दोनों को मॉड्यूलेट करके हमने नेटवर्क में एंटीना के थ्रू भेज दिया. अब रिसीवर पे हम क्या करेंगे, एक तो डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा, AM डीमॉड्यूलेशन और FM डीमॉड्यूलेशन, यानी साउंड सिग्नल और वीडियो सिग्नल को हम डीमॉड्यूलेट करेंगे. फिर हम साउंड और वीडियो सिग्नल को अलग अलग करेंगे. अभी किस तरह से काम कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रिसीविंग एंटीना लगा हुआ है जो कि सिग्नल को रिसीव करेगा रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल. अब यहाँ पे RF ट्यूनर लगा. RF ट्यूनर क्या करेगा, ये सिर्फ उसी फ्रिक्वेंसी को कैच करेगा जो डिज़ायर्ड है. जो अनडिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसीज होंगी जो हवा में ट्रेवल कर रही है, वो सारी फ्रिक्वेंसीज को ये रिजेक्ट कर देगा. तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ट्यून होकर हमारा RF ट्यूनर जो है सिग्नल को कैच करता है. देन हमारा कॉमन IF एम्पलीफायर लगा हुआ. हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम रिसीवर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मोनोक्रोम टीवी रिसीवर में, ये सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर है. तो जब हेटेरोडाइन रिसीवर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ IF एम्पलीफायर्स होते हैं. फर्स्ट मे बी 1 or 2 or 3 सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स की बात करते हैं तो 2 or 3 में हमारे IF एम्पलीफायर्स होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे जब कॉमन IF एम्पलीफायर की बात करते हैं तो वहाँ नंबर ऑफ IF एम्पलीफायर आपस में कंबाइन किया है. सो RF ट्यूनर ने सिग्नल को ट्यून अप किया और कॉमन IF एम्पलीफायर ने सिग्नल की रेंज को, जो उसमें से डिजायर सिग्नल था उसको सेलेक्ट करके फर्दर हमें वीडियो डिटेक्टर को भेज दिया. अब यहाँ पे जो सिग्नल सेलेक्ट हुआ है, जो IF एम्पलीफायर ने IF स्टेज में सिग्नल को सेलेक्ट किया है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसीज पे, उसको एम्पलीफाई करके आगे वीडियो डिटेक्टर को भेज देगा. वीडियो डिटेक्टर के पास हमारे पास कंबाइंड सिग्नल है. वीडियो डिटेक्टर के पास वीडियो सिग्नल भी है और साउंड सिग्नल भी है, और वीडियो डिटेक्टर से हमने सिग्नल को अलग अलग कर लेना है. अब साउंड सिग्नल जो है वो साउंड IF एम्पलीफायर के पास चले जाएगा, और वीडियो सिग्नल जो है वो वीडियो एम्पलीफायर के पास चले जाएगा. तो यहाँ वीडियो सिग्नल और साउंड सिग्नल अलग अलग हो गया.
बिना साउंड आया था, एम्पलीफायर है तो हमें पता है साउंड सिग्नल में हमने एफ एम मॉड्यूलेशन यूज़ करी थी, तो यहाँ से वो एफ एम डी मॉड्यूलेशन यूज़ करेगा एंड देन सिग्नल को एम्पलीफाई करके स्पीकर को दे देगा। और यहाँ पे वीडियो एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, वीडियो एम्पलीफायर में सिग्नल दे देना पिक्चर ट्यूब को, पिक्चर ट्यूब के पास अब सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में गया, इसलिए क्या करना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करना। ट्रांसमीटर क्या कर रहा था, ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन रिसीवर में हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम टीवी स्क्रीन के ऊपर सिग्नल देख सकें। स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग सर्किट का गेम, इसका काम वही है, ये स्कैनिंग करेगा, एक एक पिक्सल की स्कैनिंग करता है, और सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल क्या करता है, सिंक्रोनाइजिंग सर्किट ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। स्विच ब्लॉक का मैंने आपको फंक्शन बता दिया, हमारे भी कॉमन आया था एम्पलीफायर ऑफ टू और थ्री स्टेजेस आया था एम्पलीफायर के लिए, हमें बाकी स्विच ब्लॉक का मैंने आपको फंक्शन बता दिया। स्कैनिंग क्या है, स्कैनिंग इज अ प्रोसेस इट यूज टू कन्वर्ट द ऑप्टिकल इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहाँ पे ऑप्टिकल सिग्नल हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनिंग को यूज करते हैं। और ये बेसिकली क्या है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो फास्टली मूव करती है पिक्सल टू पिक्सल या पिक्चर एलिमेंट टू पिक्चर एलिमेंट, जिसको हम स्कैनिंग बोलते हैं। स्कैनिंग का टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी आपके लिए मोनोक्रोम टीवी रिसीवर और मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर क्लियर हो जाना चाहिए। हमारे ब्लैक एंड वाइट टीवी और ब्लैक एंड वाइट ट्रांसमीटर और ब्लैक एंड वाइट टीवी रिसीवर में क्या क्या फंक्शन होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। अब इसके अंदर प्रोसेसेस कौन कौन से हैं जो स्कैनिंग वगैरह ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको टीवी रिसीवर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं कमेंट में, या फिर आप मुझे ऑनलाइन क्लास में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।